do support us. Just any second, incoming, the legend himself. Please welcome Well. India, it's time to welcome Anna Sunil Shetty! Propancha League ke finals mein aa gaye hain the legend himself, Mr. Sunil Shetty! Anna! Propancha League, swagat karoge zoro se! Let's go! Yes. We can hear Anna going on in the Indira Gandhi Stadium at the Propancha League Finals. This is all happening here. First of all, we'd like to thank him. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much, sir. Welcome to the finals. And a quick recap aapke liye, sir. In the finals, Kirak Hyderabad versus Kochi KDs. Kochi KDs are now on a 5-point lead. But agla match jo aa raha hai, wo Kirak Hyderabad ke liye lead sabit ho sakta hai. So India, let's get going in the 70 kg weight category. Ye wo hai jinhone kal kuch aisa kar dikhaya jo shayad kisi ne kabhi socha hi nahi tha. In the challenger round, in the tiebreaker round, he went against a 100 kg man and beat him. 70 kg ne kal ek 100 kg ko haraya hai. He is fast, he is aggressive, he is his team's hope to come back in the final. From Kirak Hyderabad, please welcome multiple times national champion, multiple times state champion, Steve Thomas. इतिहास रचने का एक और मौका है 20 साल के स्टीव थॉमस पास. कल इन्होंने अपने से 30 किलो ज्यादा वजन के दारा सिंह को हराया और उस जीत के बदौलत किराक हैदराबाद को इस फाइनल में पहुंचाया. इस लीग में इनसे तेज कोई पिन नहीं कर पाता है. आज आएंगे आकाश इनके सामने. स्टीव थॉमस यहां पर आ चुके हैं और क्लियरली ये येलो आर्मी के एब्सोल्यूट फेवरेट हैं. स्टीव थॉमस के अगेंस्ट जा रहे हैं इन द 70 केजी वेट कैटेगरी वो जिन्होंने इस मंच पर आके कहा था कि अगर मैं किसी के पीछे पड़ जाऊं तो उसे हरा के ही छोड़ता हूं. इंडिया, लेट्स सी उनका दावा क्या सच होता है. और द स्टोरी गोज अदर साइड. From the Kochi KDs, Akash Kumar. बहुत ही स्पेशल खिलाड़ी हैं रिस्ट हंटर आकाश कुमार. 2 अगस्त को स्टीव थॉमस से एक बार पहले भी इनका मुकाबला हुआ था. वहां पर स्टीव ने चैलेंजर राउंड लगा के 10-0 से आकाश को हरा दिया था. आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. वो लेजेंडरी शेप, वो लेजेंडरी
फॉर्म एंड स्पीड वापस लानी होगी आकाश को आज कमबैक करने का, आज रिवेंज लेने का मौका है इनके पास। आकाश की उम्र 24 साल, स्टीव सिर्फ 20 साल के हैं, लेकिन अभी से इतना बड़ा नाम उन्होंने इंडियन आर्म रेसलिंग में इस 70 केजी कैटेगरी में बना लिया है और अब तो 100 किलो के खिलाड़ियों को भी हराने लगे हैं। कद दोनों का लगभग बराबर, नेशनल में मेडल्स भी लगभग दोनों बराबर लगा चुके हैं। अब से ठीक एक साल पहले आकाश कुमार और स्टीव थॉमस एक साथ थे आमने सामने। रैंकिंग टूर्नामेंट में आकाश कुमार ने फ्लैश पिन लगाई थी स्टीव थॉमस पर, उसके बाद स्टीव ने वापसी कर आकाश पर फ्लैश पिन लगाई थी और दूसरी पोजीशन ले ली थी राहुल पानेकर के बाद। आकाश वहां पर नंबर 3 सीड थे, लेकिन वो शेप वो फॉर्म अभी आकाश के पास नहीं है। आज बहुत बड़ा मौका कमबैक का, क्या स्पीड दिखाएंगे आकाश। एक फाउल मिला है यहाँ पर स्टीव थॉमस को, जी नहीं, दोनों की अर्ली मूवमेंट के कारण वो फाउल कैंसल आउट हो गया है। 0-0 फाउल, किसी को वो फाउल नहीं मिला। एक बार फिर से शुरुआत, आकाश का दाहिना पैर देखिए अपनी टेबल के लेग के अगेंस्ट लगा हुआ, जिससे कि पुश करने में थोड़ी एक्स्ट्रा मदद मिलती है। अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़कर एक स्लिप पाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रैप्स में खेलना चाहेंगे स्टीव थॉमस के खिलाफ। क्या ये रणनीति काम आएगी, क्या उन्हें वो स्ट्रैप मैच जिनकी उन्हें जरूरत है अपनी अंगूठे की इंजरी के कारण, अगर स्ट्रैप लग गया, अगर हुक लग गया तो आकाश की जो प्रॉब्लम्स हैं अंगूठे की इंजरी की वो एकदम सामने नहीं आती, कंफर्टेबली वो खेल पाते हैं। लेकिन आज बहुत मुश्किल दिन है उनके लिए और बहुत जरूरी भी। जी नहीं, हुक लगाने के लिए गए थे लेकिन नहीं लगा सके। स्टीव ने पहला राउंड बड़े ही कंफर्टेबली जीत लिया है। अगर इस खिलाड़ी को रोकना है तो स्पीड दिखानी होगी, लेकिन स्टीव थॉमस से ज्यादा स्पीड शायद किसी के भी पास नहीं है। एक हाई लेवल पर कमबैक करने का शायद ये आखिरी मौका आकाश के पास हो सकता है। दर्द देखिए उनके चेहरे पर, जो आउटकम चाहिए थी वो उन्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिली है। 2 अगस्त को स्टीव और आकाश मिले थे इसी टेबल पर, वहाँ स्टीव ने क्लीन स्वीप किया था रिस्ट हंटर को, चैलेंजर राउंड भी लगाया था उनके सामने, 10-0 से जीते थे। क्या वही कहानी दोहरा पाएंगे किराक हैदराबाद के लिए उनके सुपरस्टार स्टीव थॉमस। सुपरस्टार तो यहाँ भी हैं बॉलीवुड के, सुनील शेट्टी और उनके साथ फाउंडर प्रो पंजा लीग के मिस्टर परवीन दबास। आकाश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका अंगूठा जो डिसलोकेटेड रहा है काफी लंबे समय से, दर्द झेलने की क्षमता कितनी है। यहाँ फाउल पर बातचीत, अगर 2 फाउल बन जाते हैं रेफरीज ग्रिप के दौरान आप सीधा वो राउंड हार सकते हैं। फिर लौट आए हैं दोनों टेबल के पास, एक राउंड की बढ़त है स्टीव थॉमस पास। 3 मुकाबले जीते हैं किराक कोची केडीज ने, 2 मैच जीते हैं किराक हैदराबाद ने, 3-2, लेकिन पॉइंट्स में अंतर उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसके पहले चेतना शर्मा 5 पॉइंट लेकर गई। और अब स्टीव थॉमस बहस कर रहे हैं गुस्सेल, उन्हें सहमति नहीं है डाउन रेफरी शिवा के डिसीजन से, रिव्यू क्या लेंगे। सेलिब्रेशन आकाश के कैंप में, कोची केडीज को कुछ ऐसा ही करना है, माइंड गेम शुरू हो चुकी है, तोड़ना चाहते हैं स्टीव को मानसिक तौर पर, क्योंकि टेबल पर तो वो टूटते ही नहीं है, एक बार उनकी ग्रिप लग जाती है। क्या कहेंगे अब हमारे मास्टर रेफरी सर्गे सोकोलोव, पास गया है ये मामला।
और इतना ज्यादा सेलिब्रेशन आकाश की तरफ से इसलिए भी था क्योंकि अभी तक ये उम्मीद दोनों ही टीम्स की है कि उनके पास तीन तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्लीन स्वीप से जीत जाएंगे और ऐसा होता है तभी ये मुकाबला टाई ब्रेकर में जाएगा। लेकिन अगर स्टीव थॉमस यहां पर एक भी राउंड हार गए तो वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन किराक हैदराबाद का गड़बड़ा जाएगा और कोची केडीज ये मैच ये फाइनल जीत सकती है बिना टाई ब्रेकर में जाए क्योंकि आगे उनके खिलाड़ी योगेश चौधरी और मज़ाहिर साइडू को चैलेंजर राउंड में रोक पाना लगभग नामुमकिन। अगर ये राउंड आकाश कुमार जीत जाते हैं तो शायद पूरा का पूरा फाइनल जिता देंगे अपनी टीम को। अपने टॉप रोल के लिए मशहूर स्टीव, क्या उनके तरफ से एक इल्लीगल मूव हुआ है? यही सवाल पूछा जा रहा है मास्टर रेफरी से। क्या इन्होंने अपने हाथ को जल्दी घुमा दिया था रेफरी के रेडी गो से पहले? दाएं तरफ है स्टीव, बाएं तरफ है आकाश कुमार, जिनको लगता है उन्होंने इस राउंड को जीता है। कल भी हमें सेमीफाइनल में टाई ब्रेकर नजर आया था जब किराक आमने सामने थी रोहतक के साथ। स्टीव थॉमस ने टाई ब्रेकर का वो एक राउंड जीता था तारा सिंह के सामने। आज भी मामला उस दिशा में बढ़ता हुआ, अगर स्टीव थॉमस यहां हार जाते हैं इस मैच में तो किराक हैदराबाद के लिए मुश्किलें दुगनी हो जाएंगी। स्टीव उनके स्टार परफॉर्मर हैं, बहुत जरूरी, बहुत अहम है स्टीव को इस मैच में जीतना किराक हैदराबाद के लिए। सफल रहा टीम थॉमस और किराक हैदराबाद का ये रिव्यू। कोई मूवमेंट नहीं दिखी है मास्टर रेफरी को, जश्न मना रहे हैं उनके चाहने वाले। अब आना होगा आकाश कुमार को वापस, साइड बदलने होंगे। आकाश इशारा करते हुए स्टीव को आइए दूसरे तरफ। इतना अपने आप को एकाग्रित रखा है स्टीव ने, भूल गए थे कि साइड बदलनी होगी। एक राउंड, पहला राउंड स्टीव थॉमस के नाम, आकाश कुमार को किसी ना किसी तरह स्टीव के दिमाग में एंट्री करनी होगी। वो फ्लैश पिन इतनी तेजी से करते हैं कि समय ही नहीं मिलता है सामने वाले को। यहाँ एक हुक के स्पेशलिस्ट हैं आपके बाएं तरफ, टॉप रोल के स्पेशलिस्ट आपके दाएं तरफ, और टॉप रोल की हुई है जीत। स्टीव थॉमस ने दो राउंड की बढ़त ले ली है मेन कार्ड के इस फाइनल में। ढोल बज रहा है, शोर बढ़ रहा है, वापसी करने में लगी है किराक हैदराबाद की टीम। 70 किलो के इस मुकाबले में आखिरकार वो फ्लैश पिन नजर आ ही गया। स्टीव थॉमस का टॉप रोल, ऊपर से जब आप अब दबाव डालते हैं, सामने वाले को प्रोनेट करते हैं, तो उसे आप एक खूबसूरत टॉप रोल कहते हैं। और इस मूव में माहिर हैं केरला के स्टीव थॉमस। और लग गया है चैलेंजर राउंड। अगर यहां 10 सेकंड के अंदर स्टीव थॉमस जीतते हैं तो उन्हें 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आकाश कुमार अगर 10 सेकंड के अंदर स्टीव को किसी तरह हरा देते हैं तो उन्हें 6 पॉइंट मिल सकते हैं। ये फाइनल का मंच है, दबाव हर किसी के ऊपर है। अगर एक फाउल भी हो गया चैलेंजर राउंड में तो आप सीधा हार जाएंगे। सिर्फ एक फाउल पर डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है चैलेंजर राउंड में। कोच मैक्सिम तैयार करके भेज रहे हैं
रिस्ट हंटर को। बहुत अहम घड़ी इस फाइनल में, यहां पर 10 सेकंड की वो घड़ी पीछे शुरू होगी। आकाश का काम होगा कम से कम 5 सेकंड तक खींचना स्टीव थॉमस को। कुछ 8 दिन पहले यही कहानी हमने देखी थी इन दोनों के बीच, वहां चैलेंजर राउंड स्टीव जीते थे और स्टीव थॉमस को कोई भी इस पूरी लीग में चैलेंजर राउंड में हरा नहीं पाया है। कल पहली बार उन्हें अपनी पहली इकलौती हार मिली थी, पर टाई ब्रेकर में ऐसा कमाल का प्रदर्शन। दारा सिंह उनसे 30 किलो वजन ज्यादा, उन्हें हराया है स्टीव ने कल। 0.17 सेकंड्स का फास्टेस्ट फ्लैश पिन रिकॉर्ड है 20 साल के स्टीव के नाम। क्या आज उस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाएंगे? आकाश के लिए अपनी कलाई संभालना बहुत जरूरी, अपनी कलाई को पीछे नहीं जाने देना चाहेंगे आकाश कुमार। अगर यहां पर आकाश किसी भी तरह से हुक लगाकर 10 सेकंड स्टीव को रोक लेते हैं तो शायद इस फाइनल में अपनी टीम को जीत भी दिला सकते हैं। 1, 2, 3, गो। जी नहीं, 10 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, स्टीव थॉमस को कोई 1 सेकंड भी नहीं रोक सकता। सेलिब्रेशन शुरू हो गया है किराक हैदराबाद की टीम में और उनके फैंस में। एक बार धड़कने उनकी थोड़ी सी जरूर बढ़ गई थी पहले राउंड में जब 2 फाउल्स मिल गए थे स्टीव थॉमस को, लेकिन उसके बाद वो रिव्यू लिया और अब रिव्यू तो ले लिया है आकाश कुमार ने भी, इस उम्मीद में कि शायद कोई गलती हो गई हो स्टीव थॉमस से। ऐसा होना काफी मुश्किल है, इसके चांसेस काफी कम है, पर एक रिव्यू जो एक मैच में मिलता है उसे लिए बिना घर आकाश नहीं जाना चाहेंगे। क्या यहां पर कोई अर्ली मूवमेंट स्टीव की तरफ था? आपकी नजरें रखिए स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर। एक अर्ली मूवमेंट हुआ है स्टीव का आकाश के अनुसार, लेकिन क्या हमारे मास्टर रेफरी को ऐसा कुछ नजर आएगा इस स्लो मोशन रिप्ले में? ये नहीं, देखकर तो एक फेयर स्टार्ट लगा और बैक प्रेशर जो है स्टीव का, अब देखिए आकाश के हाथ को अपने एल्बो पैड के ऊपर ले आए, इतनी जोर से पीछे की ओर खींचते हैं कि कोई भी मौका नहीं दिया। किराक हैदराबाद के प्लेयर्स पूरी तैयारी के साथ आए हैं यहाँ पर, शायद अनसक्सेसफुल होगा। जी हाँ, रिव्यू हुआ अनसक्सेसफुल, 10-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। अब किराग हैदराबाद ने भी, चेतना ने जो 10-0 की जीत हासिल की थी अब से कुछ देर पहले, उसका बदला लिया है स्टीव थॉमस ने और दोनों ही टीम के स्कोर को बराबरी पर ले आए हैं। अंडर कार्ड में भी इन दोनों का स्कोर 2-2 था और अब 10 अंक यहां पर किराग हैदराबाद ने जीत लिए हैं। कोची केडीज का स्कोर भी यहां पर 12 अंक है, माफ कीजिएगा, जिंसी जोस वर्सेस निर्मल वर्सेस योगेश चौधरी। योगेश चौधरी इंडिया की नंबर 1 आर्म रेसलर होंगी इस टेबल पर एक ब्रेक के बाद।